आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 7 गुलमोहर। क्लास 7 गुलमोहर चैप्टर आपका है वांडरिंग सिंगर, जो कि एक पोएम है। उसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, उसको वर्कआउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका है, दो तरह का क्वेश्चन है, एक अंडरस्टैंडिंग पोएम है और दूसरा है अप्रिशिएटिंग द पोएम। अंडरस्टैंडिंग द पोएम में है पहला क्वेश्चन, विच लाइन टेल्स यू दैट द सिंगिंग सिंगर्स सिंग एज दे ट्रेवल। मतलब कौन सा लाइन आपको बताता है कि जो सिंगर्स हैं वो ट्रेवल करते हैं सिंगिंग करते समय। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है द लाइन विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम टेल्स दैट द सिंगर सिंग एज दे ट्रेवल। मतलब ये लाइन आपको कह रहा है, द लाइन क्या है, विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम। ये लाइन जो है आपको बता रहा है कि जो सिंगर है वो ट्रेवल करते करते सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द वॉन्डरिंग सिंगर्स हैव नो परमानेंट होम्स एंड फैमिलीज डू दे शो। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए, डू दे शो एनी सैडनेस अबाउट इट और डू दे हैव अ डिफरेंट नोशन ऑफ फैमिली एंड होम। तो वॉन्डरिंग सिंगर्स जो है उसका कोई परमानेंट होम्स या फैमिली नहीं है, क्या इससे वे लोग दुखी हैं और या फिर उनका उनके पास इनके लिए कुछ अलग से आइडिया है, नोशन मतलब आइडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देख लीजिए, नो दे डू नॉट शो एनी सैडनेस अबाउट इट इन द लाइन ऑल मैन आर आवर किंडर्ड द वर्ल्ड इज़ आवर होम द वॉन्डरिंग सिंगर्स टेल्स अस दैट दे कंसिडर एवरी वन देयर फैमिली एंड द होल वर्ल्ड देयर होम। मतलब उन्हें कोई जो है दुखी दुख नहीं है इस बात का कि उनका कोई परमानेंट हाउस या फैमिली नहीं है, ठीक है। वो पूरे संसार को अपना घर समझते हैं और संसार के लोगों को जो है अपना फैमिली समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट डू द वॉन्डरिंग सिंगर सिंग अबाउट। वॉन्डरिंग सिंगर जो है किसके बारे में गाना गाते हैं, व्हाट माइट देयर लिसनर्स गेट फ्रॉम देयर सॉन्ग्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड मूड। और उसके जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स जो हैं, उनको क्या मिलेगा या मिल सकता है नॉलेज के रूप में और मूड के रूप में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है द वॉन्डरिंग सिंगर सिंग अबाउट सिटीज़ विच वर वंस ग्रेट एंड फेमस। मैंने उसके लिए गाना गाते हैं उस सिटीज़ के लिए जो कभी फेमस हुआ करते थे, पॉपुलर हुआ करते थे, महान हुआ करते थे। अबाउट द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन, औरतों के ब्यूटी माने सुंदरता और हंसी के बारे में, जो कि मर चुके हैं काफ़ी दिन पहले, हु डाइड लॉन्ग एगो। ओल्ड बैटल्स एंड किंग्स, पुराने बैटल्स, पुराने जो युद्ध हैं, लड़ाई हैं, उसके बारे में, राजाओं के बारे में, एंड ऑफ डिफरेंट हैप्पी एंड सैड थिंग्स, और अलग अलग खुशी के मौके या उदासी के मौके के बारे में वो लोग गाना गाते हैं। अब लिसनर्स को क्या मिलता है, लिसनर्स को नॉलेज के रूप में मिलता है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज लिसनर्स माइट लर्न समथिंग ऑफ हिस्ट्री एंड फोकलोर। फोकलोर मैंने अपने आसपास के बारे में और हिस्ट्री के बारे में उनको जो नॉलेज मिलेगा। मूड में क्या है, इन टर्म्स ऑफ मूड द लिसनर्स कैन लर्न और फील फैसिनेशन क्यूरियोसिटी एडमिरेशन एंड एक्साइटमेंट। फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब होता है एक तरह का अमेजमेंट, उनको इतिहास जानकर ये आश्चर्य होगा कि कितना महान हमारा इतिहास है। क्यूरियोसिटी माने जानने की इच्छा होगी, एडमिरेशन उसको प्रशंसा करने की वो लोग मूड बनाएंगे, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होगी उनके अंदर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, व्हाई डू द वॉन्डरिंग सिंगर्स नॉट वेट एनीवेयर। वॉन्डरिंग सिंगर किसी जगह वेट क्यों नहीं करते, व्हाई डू दे कीप ट्रैवलिंग, वो लोग हमेशा घूमते क्यों रहते हैं, ट्रैवल क्यों करते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, द वॉन्डरिंग सिंगर्स डू नॉट वेट एनीवेयर बिकॉज नॉट क्लोज टाइज और लविंग रिलेशनशिप मेक देम स्टे ऑन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। वो जो है कहीं नहीं रुकते, ऐसा कारण है कि कोई भी क्लोज टाई मतलब कि गहरा रिश्ता या फिर लविंग रिलेशनशिप उनको जो है रोक नहीं सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। द डेस्टिनेशन कीप चेंजिंग लाइक द विंड, हवा की तरह उनका जो डेस्टिनेशन है वो बदलता रहता है। सो दे कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस।
इसलिए वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, आपका अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट आपका ख़त्म हो चुका। फिर हम देखते हैं अप्रिसिएटिंग द पॉइंट, इसमें 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ। अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन व्हाट पर्सन हैज़ दिस पॉइम बीन रिटन। ये पॉइम जो है किस पर्सन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में, या फिर सिंगुलर प्लूरल बताना है। वाई डू यू थिंक द पॉइट डिड नॉट यूज़ आई और दे, आपको क्या लगता है पॉइट ने आई और दे यूज़ क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर क्या है, द पॉइम इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन प्लूरल। पॉइम जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वी में लिखा हुआ है। द पॉइट डिड नॉट यूज़ आई बिकॉज द पॉइम इज़ अबाउट अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग सिंगर्स। पॉइंट ने आई का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये एक वॉन्डरिंग सिंगर्स के एक ग्रुप के बारे में पॉइम है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में नहीं है। सी डज नॉट यूज़ दे बिकॉज सी वॉन्ट्स इट टू सीम एज इफ द वॉन्डरिंग सिंगर्स आर स्पीकिंग टू द रीडर्स डायरेक्टली। पॉइंट ने जो राइटर हैं उन्होंने दे यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ जो सिंगर हैं वो डायरेक्टली जो स्पीकर से मतलब रीडर से बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर यूजेस द वर्ड्स वॉन्डर एंड रोम एंड नॉट मार्च एंड स्ट्राइड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पॉइंट ने क्यों यूज़ किया है वॉन्डर और रोम वर्ड, मार्च और स्ट्राइड क्यों नहीं यूज किया है। लुक अप अ डिक्शनरी फॉर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको कहा जा रहा है कि वर्ड मीनिंग जो है आप डिक्शनरी आपके पास है तो उसमें आप देखिए दोनों का मतलब क्या है। वॉन्डर और रोम ही क्यों यूज़ किए हैं, मार्च और स्ट्राइड यूज़ क्यों नहीं किए हैं। तो इसका आंसर क्या है, द वर्ड्स वॉन्डर एंड रोम मीन वॉक और मूव इन अ रिलैक्स्ड अनहरिड मैनर विथ नो फिक्स्ड पर्पस, वेयर एज द वर्ड्स मार्च एंड स्ट्राइड मीन टू वॉक क्विकली विद अ पर्पस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वॉन्डर और रोम का मतलब क्या होता है कि रिलैक्स होके बिना कोई हड़बड़ के कोई फिक्स प्लेस पे मूव नहीं करना है, आराम से मूव करना है। और मार्च स्टार्ट का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी मूव करना है, किसी पर्पस के साथ मूव करना है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना है। तो यही अंतर है। द फर्स्ट टू वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर्स बिकॉज वॉन्डरिंग सिंगर्स आर नॉट इन हरी एंड दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस। वॉन्डरिंग सिंगर्स जो है उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है और ना ही उन लोगों को फिक्स प्लेस पे जाना है, यानी कि उन लोगों को हमेशा मूव करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पॉइम, ट्राई टू रीड द पॉइम एंड डज इट साउंड लाइक अ सॉन्ग। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपको राइम स्कीम कैसे निकाला जाता है ये मैं बताया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो राइम स्कीम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जो है देख सकते हैं। तो राइम स्कीम होगा इस पॉइम का ए ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। ये पॉइम एक तरह का सोनेट है, इसलिए 12 लाइन का जो राइम स्कीम हो वो एक साथ लिखा जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन है, ट्राई टू रीड द पॉइम अलाउड, डज इट साउंड लाइक अ सॉन्ग। तो यस, इट साउंड्स लाइक अ सॉन्ग व्हेन रीड अलाउड, व्हेन रेड अलाउड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सर्टेन वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड इन दैट पॉइम, वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स एंड इकोइंग, आर दिज रिपीटेशंस पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर अ पॉइम दैट पॉइम अबाउट सिंगिंग इन व्हाट वे। बताया जा रहा है कुछ वर्ड्स जो है रिपीट किए गए हैं, जैसे वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स, इकोइंग। तो ये रिपीटेडली जो रिपीटेशन है वो पॉइम के लिए पर्टिकुलर है कि नहीं गाने के लिए, और है तो किस किस वे में है। तो यहाँ पर देख लीजिए, येस दीज रिपीटेशंस आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर अ पॉइम अबाउट सिंगिंग बिकॉज दीज वर्ड्स ब्रिंग अ लिरिकल क्वालिटी टू द पॉइम। लिरिकल क्वालिटी मतलब होता है म्यूजिकल क्वालिटी, जिसको आप गाने की तरह गा सकते हैं, राइम करके गा सकते हैं। द रिमाइंड द रीडर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और ये जो है रीडर को कुछ अलग अलग चीज़ों को रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है, जो कि एसोसिएटेड है साउंड से, म्यूजिक से, सच एज इकोज, वॉइस एंड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द दिस पॉइम क्रिएट्स अ सर्टेन मूड, वन दैट कम्बाइंस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द सोरो एंड विच ऑफ दिस टू द हैप्पीनेस। तो यहाँ पर 5 आपका लाइंस दिया हुआ है
उसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सोरो और कौन हैप्पीनेस को आपको बताता है। तो ए नंबर में आपको है 1 एंड 3। 1 में क्या है, द वॉन्डरिंग सिंगर्स हैव नो होम। उसके बाद 3rd नंबर में, दे सिंग अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस दैट आर डेड। यानी कि 1 एंड 3 कंट्रीब्यूट टू द सोरोफुल मूड ऑफ द पोएम एंड 2nd एंड 4 कंट्रीब्यूट टू द हैप्पीनेस। उनका घर नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का सोरोफुल है। हालांकि वो लोग सैड नहीं हैं, फिर भी हम समझ सकते हैं कि जिनका घर नहीं होता उनको जो है दुख होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 5 का बी जो है, डू एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक द फिगर्स ऑफ वॉन्डरिंग सिंगर्स लुक टाइमलेस एज इफ दे कैन बिलोंग टू एनी एज एंड डू नॉट चेंज और डिसअपियर विद टाइम। डू एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स, जितना भी 5 आपको लाइन्स वहाँ पर लिखा गया है, कोई भी लाइन्स आपको ऐसा लगता है कि सिंगर्स लुक टाइमलेस, टाइमलेस का मतलब होता है कि जिनको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, या फिर किसी और किसी भी एज के हों जो चेंज नहीं होते हैं या डिसअपियर नहीं होते हैं टाइम के साथ। तो 5 नंबर ऑप्शन जो है, आप देख लीजिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर, दे हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड एंड विल ऑलवेज कीप ट्रेवलिंग एज इफ विथ द विंड। तो यह क्या होता है, 5 हेल्प्स टू मेक द फिगर्स ऑफ द वॉन्डरिंग सिंगर्स लुक टाइमलेस। द सिंगर्स हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड एंड विल ऑलवेज ट्रेवल इवन वेन सम सिंगर स्टॉप अदर्स टेक देयर प्लेस सो दैट इट सीम्स एज इफ द सिंगर्स बिलोंग टू एवरी एज एंड डू नॉट चेंज और डिसअपियर विद टाइम। यानी कि कुछ लोग अगर ओल्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो उसके जगह पर दूसरे लोग फिर उसको रिप्लेस करते हैं। इस तरह से जो है ये लोग रुकते नहीं हैं, टाइम बाउंडेशन में नहीं है, ठीक है। आई होप आप इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।